NAB is bound to conduct its inquiry within 15 days, extendable to 30 days. ये डेढ़ महीना दिया है. Under the law, the accountability court is to decide the case within 30 days. ये छः महीने दिए हैं उसको. तो ये कोई नवाज शरीफ के साथ, बाकी नवाज शरीफ और शरीफ बरादरान जो है वो, मैं तो कहता हूँ इस निज़ाम के बिगड़े हुए बच्चे हैं. लॉ उनके लिए हर रियायत पैदा करता है, ये भी उनके लिए रियायत पैदा की जा रही है. ये भी रियायत है कि वो कहते हैं जी हम नैब के सामने पेश ही नहीं होंगे. कौन सा शख्स है इस मुल्क में शरीफ ख़ानदान के अलावा जिसको समझ जाए इस नैब का और वो कहे कि मैं ना बेल कर आ रहा हूँ और ना पेश हो रहा हूँ नैब के सामने, मैं ऐलान करके कहता हूँ. वो ये कह रहे हैं ना, उन्होंने तो ये मौकफ अपनाया कि जी हमने रिव्यू दायर किया है, तो रिव्यू पटिशन का ये इस वजह से जब तक उसका फैसला नहीं आएगा. ये तो खुद कानून बनाने की, ये खुद कानून बना रहे हैं ना. अगर रिव्यू में स्टे मिल जाए तो बिल्कुल ठीक है, तो वो और बात है. जो तो सस्पेंड हो जाए, अगर वो सस्पेंड भी नहीं हुआ, वह मुअत्तल भी नहीं हुआ, नैब का समन नैब की तरफ से जो उनको पेश होने का हुक्म है, और आप बड़े मज़े से कह रहे हैं कि हम पेश ही नहीं होंगे.